start. Today we are going to get the knowledge about the Keeping Quiet. This is the second poem of the CBSE class 12. इसमें we are going to learn about the theme of the poem, our central idea of the poem. This poem is composed by Pablo Neruda, which is the famous poet. In this poem, Pablo Neruda has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. इसका मतलब कि इस दिस पोएम में पैब्लो नेरुडा जी जो थे हैज एम्फसाइज, उन्होंने महत्व डाला है द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें जो है आत्म विश्लेषण करना चाहिए. मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, इस भागम भाग वर्ड में ठीक है, जो आदमी है बहुत ही ज़्यादा वेरी सेल्फिश हो चुका है. एंड हिज ओन एक्शंस काज हिम मैनी मिसरीज, और अपने स्वयं के उसके स्वयं के एक्शंस के द्वारा, उसके स्वयं के कार्यों के द्वारा उसने कई सारी जो परेशानियां अपने लिए खड़ी कर ली है. द वर्ल्ड टूडे स्टैंड डिवाइडेड बाई द माइंड मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनलिटी एंड जियोग्राफिकल डिविजन. तो जो व्यक्ति निर्मित, जो व्यक्ति निर्मित जो है आपका जो संसार है आज का, वो व्यक्ति निर्मित है और वो डिवाइड है. इसमें डिवाइड है कास्ट में यानी जातियों में डिवाइड है, क्रीड में संप्रदाय में डिवाइड है, ठीक है, रेस में डिवाइड है, ठीक है, फिर रिलीजन में डिवाइड है, लैंग्वेज यानी भाषा में डिवाइड है, कल्चर यानी संस्कृत में डिवाइड है, नेशनलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता में डिवाइड है कि कौन से देश में है आप, एंड जियोग्राफिकल डिविजन्स और भूगोलिक खंडों में डिवाइड है. वी नीड टू राइज एबव दीज स्मॉल इशूज, हमें आज आवश्यकता है कि हम इस सारे छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठें एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और मानवता के लिए जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उच्च लक्ष्य हैं, उनकी तरफ हम देखें. द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स. तो आज जो कवि है मिस्टर पैब्लो नेरुडा, वो बात करते हैं इस बारे में बात करते हैं कि आज आवश्यकता है कि मानवता में यानी हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है कि भावना को क्रिएट करने की आवश्यकता है, नेसेसिटी है. एंड डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, और हमें उन मुद्दों को डिस्कस करने की आवश्यकता है जिससे हम पीस को मेंटेन कर सकें. द पोएट इज एड्रेसिंग हिज फेलो, इस कविता में जो कवि है वो अपने अनुयायियों को या फेलो ब्रदरान को जो है क्या करता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है. अपील्स टू देयर रीजनिंग, आस्किंग देम टू पास फॉर ए वाइल, और उनसे ये अपील करता है, प्रार्थना करता है, ठीक है, कि आप जो थोड़े समय के लिए आप जो है शांत हो जाएं और मैड्रस से दूर हो जाएं, जो आप अधिक और अधिक पाने के लिए लगातार करें, मोर एंड मोर का मतलब होता है और अधिक. ही रिक्वेस्ट देम टू कीप क्वाइट, उनसे जो है ये आप रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं, कीप क्वाइट हो जाएं, सो दैट दे मे इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ, इसलिए कि आप अपना स्वयं का आप विश्लेषण कर सकें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें. मैन वाइल ऑब्जर्विंग साइलेंस सीम्स टू बी डेड, और जब व्यक्ति जो है वो ध्यान मग्न की अवस्था में या साइलेंस की अवस्था में रहता है तो ऐसा लगता है कि वो मर गया, बट ही इज इंट्रोस्पेक्ट, लेकिन एक्चुअली में वो आत्मनिरीक्षण करता है. एंड आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन, और जब वो आप विश्लेषण से बाहर आता है, ही टर्न्स आउट टू बी ए न्यू ह्यूमन विद ए टोटली चेंज अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, तो पूर्ण रूप से बिल्कुल बदला मानो रहता है, जो पूर्ण रूप से बदली हुई अप्रोच जो जीवन के प्रति पहले रखता था उससे ठीक नई सोच के साथ वो हम लोगों के या विश्व के सामने आता है.